बहराइच सांप्रदायिक हिंसा में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें से 2 आरोपियों को कल पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान नानपारा क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। हालांकि इस दौरान मुठभेड़ में पुलिस ने 2 आरोपियों को पैरों पर गोली मारी है, जिसमें से 2 लोग घायल हैं। उनका बहराइच के मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। इसी दौरान आरोपी की बहन रुखसाना ने एक बयान दिया है, जिस बयान में उन्होंने ये आशंका जताई है कि कहीं हमारे भाई को मार न दिया जाए, पुलिस द्वारा एनकाउंटर न कर दिया जाए। इसको लेकर उन्होंने DGP और मुख्यमंत्री को एक पत्र भी भेजा था। उस पत्र में इन्होंने साफ लिखा था कि हमें डर है कि हमारे भाई को पुलिस द्वारा एनकाउंटर न कर दिया जाए, मार न दिया जाए। आरोपी सरफराज की बहन को अपने भाइयों के एनकाउंटर का डर सताने लगा है। उन्होंने इस बारे में क्या कहा, आपको सब सुनाते हैं। पहले आप ये टाइमलाइन समझ लीजिए कि आखिर बहराइच में अब तक क्या क्या हुआ है। दरअसल उत्तर प्रदेश के बहराइच में दुर्गा पूजा मूर्ति विसर्जन पर 2 विशेष समुदायों के बीच हिंसा हुई। बीते दिन इस मामले से जुड़े 2 आरोपी सरफराज और तालिब एनकाउंटर के दौरान घायल हो गए। उनके पैर पर STF ने गोली ठोकी। आरोपी सरफराज अब्दुल हमीद का बेटा है। अब्दुल हमीद के घर की छत पर ही राम गोपाल मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद हिंसा भड़क उठी थी। दोनों आरोपी नेपाल भागने की फिराक में थे। हड़बड़ी में इन दोनों ने पुलिस पर गोली चलाई, तभी जवाबी कार्रवाई में सरफराज और तालिब के पैर पर गोली लग गई और इन्हें गिरफ्तार किया गया। इनका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। अब भाई की गिरफ्तारी के बाद बहन का हाल बेहाल हो रहा है। आरोपी सरफराज की बहन रुखसार ने हिंसा, राम गोपाल मिश्रा और UP सरकार के बारे में क्या क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। बहराइच के रहने वाले मायका है मारा। तुषार, आपके परिवार में कई लोगों को आरोपी बनाया गया, राम गोपाल मिश्रा की मौत के लिए उनको जिम्मेदार है, क्या कहना है? उनकी मौत से लेकर हमें भी बहुत दुख है। ऐसा नहीं होना चाहिए था जो हुआ है, ऐसा कभी वहाँ हुआ नहीं है, ये पहली बार ऐसा हादसा हुआ है। हम चाहते हैं जो भी यहाँ की सरकार करें ठीक करें और हमको न्याय मिले। आज आपके भाई सरफराज मुठभेड़ में गोली लगने से वो घायल हुए थे, क्या कहना है? आपने एक पत्र लिखा था DGP को और उम्मीद आशंका जताई थी कि उनका एनकाउंटर हो सकता है, क्या अंदेशा था आपको कि ऐसा होगा और वो अब जैसा इस तरीके से हुआ है वो आपकी बात सही साबित हुई? हम जैसे सरकार तक इतनी बात अपनी पहुँचाना चाहते थे कि उनको शक था हमारे भाई को कि कल उनको गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन दिखाया नहीं जा रहा है। आज दिखाया गया है कि आज उनका अरेस्ट हुआ है, लेकिन हम चाहते हैं, हम सरकार से कितना कहना चाहते हैं कि पहले इस मामले की स्पष्ट जांच हो, जो भी दोषी हो जैसे क्या हुआ है पूरे मामले की जांच, उसके बाद कोई कार्रवाई। तो आपके पति के भी और देवर के भी गिरफ्तार होने के बाद क्या वो वही पुलिस हिरासत में? हाँ, पुलिस हिरासत में उनसे कोई कॉन्टेक्ट नहीं हो पा रहा है, इसलिए कह के गए थे कि हम उनको साइन के लिए लेके जा रहे हैं, तो उसके बाद से कोई उनका अच्छा पता नहीं चल रहा है। आखिर क्यों आपके परिवार पर ही आरोप लगा? भीड़ में कैसे क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये तो हम नहीं बता सकते क्योंकि हम वहाँ मौजूद नहीं थे। ये देखने वाली बात होगी, जो गहमा गहमी का माहौल है बहराइच में लगातार जो बना हुआ है ये कब शांत होता है। बहराइच से लोकल 18 के लिए विनू वाल्मीकि की।